प्रदेश केंद्र सरकार की मुहिम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत पानीपत के गांव डाडोला में सरकारी स्कूल की तरफ से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जागरूकता पदयात्रा निकाली गई। कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल से किया गया, बाद में बच्चों द्वारा पूरे गांव की गलियों में जागरूकता के लिए रैली निकाली गई। अध्यापक भूपेंद्र धाइया ने बताया कि सरकार की मुहिम के तहत गांव में ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए डाडोला गांव में हाथों में बैनर लेकर एक पदयात्रा निकाली गई। यात्रा का उद्देश्य ग्रामीणों में लड़कियों की घटती जनसंख्या को रोकने के लिए प्रेरित करना है। प्रदेश सरकार विभाग द्वारा समय समय पर लड़कियों के जन्म पर दी जाने वाली अनेक योजनाएं चलाई गई है। योजनाओं का लाभ उठाते हुए बेटियों को बचाने और पढ़ाने का संकल्प लेना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 22 तारीख को पानीपत में देश स्तर पर चलाए जाने वाले बेटी बचाओ बेटी अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसी के संदर्भ में आज विद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। हम सभी जानते हैं कि हमारा हरियाणा प्रांत पूरे देश भर में लिंगानुपात के मामले में सबसे पीछे है और इसका मुख्य कारण है समाज के अंदर जागरूकता का न होना। समाज में लड़कियों को भोग विशाल की वस्तु समझा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमें लड़कियों को जरूर से जरूर पढ़ाना चाहिए। अगर लड़कियां शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा। अगर लड़का शिक्षित होगा तो सिर्फ एक ही व्यक्ति शिक्षित हो सकता है, इसलिए हमें लड़कियों को जरूर से जरूर पढ़ाना चाहिए। इंडिया 24 के लिए पानीपत से राकेश भ्याना की रिपोर्ट।